किसी किस्म का भी सॉयल मीडियम इस्तेमाल नहीं करना, और हमें पौधा भी वो चाहिए जिसपे एक माह के अंदर अंदर फल भी लगा हुआ हो। इसके लिए हम एयर लेयरिंग करने जा रहे हैं, कोई सॉयल मीडियम यूज़ नहीं करना। मदर प्लांट पे वो शाख सेलेक्ट करें जिसपे फल आ चुका हो, इस शाख पे फूल लगे हुए हैं। तो आपने इस पे एक इंच का जो है इतना डीप कट देना है कि इसकी ऊपर वाली लेयर जो है वो हम उतार सके आराम से। इसको अच्छे तरीके से रिमूव किया गया है और फिर इसके बाद इसके एरिए को रब कर देना है ताकि इसमें जो ग्रीनरी का इफेक्ट है वो ख़त्म हो जाए और नीचे से वुडी जो इफेक्ट है वो नज़र आना शुरू हो जाए। अब इसके ऊपर एलोवेरा आपके पास होगा, एलोवेरा का काटें उसको और इसके जेल को अच्छे तरह से कोट कर दें। ये एक तरह का फंजीसाइड भी होगा और हमारे लिए ये रूटिंग हार्मोन का काम करेगा। अब आपके घर पे जो टिश्यू पेपर मौजूद है उसको अच्छे से रैप कर दें और फिर इसको थोड़ा सा पानी लगा दें ताकि ये अच्छे से चिमट जाए। इसके ऊपर एक और किया गया है टिश्यू को रैप। अब इसके बाद फिर तीसरा थोड़ा पानी लगाने के बाद ताकि ये चिपक जाए साथ में, और ये तीसरे वाला जो है टिश्यू वो लपेट दिया। अब ये अच्छे से कवर हो गया, तो इसके ऊपर हमने कोई सा भी जो हार्ड पेपर है वो रैप कर लेना है। ये फॉयल है तो आप कोई भी हार्ड पेपर जो है उसको अच्छे तरीके से रैप कर दें, इसके ऊपर कवर करें इसे, और फिर इसको जो है वो एक टेप के साथ, ये सलोशन टेप है नॉर्मल जो घरों में मौजूद होती है, उसके साथ इसको हमने रैप कर देना है ऊपर से नीचे से और फिर दरमियान में भी, ताकि ये खुल ना सके और ये इसी तरह मौजूद रहे इसके ऊपर। और फिर हम इसको नॉर्मल रख देंगे, प्लांट उधर ही रहेगा। आपने इसको उसी तरह पानी वगैरह देना है और कुछ नहीं करना। आप एक माह के बाद देखें जब इसका आप ये रिमूव करेंगे ऊपर से पेपर, तो ये इसकी रूट्स जो हैं वो डेवलप हो चुकी हैं। चाहे तो आप ये साफ़ कर दें टिश्यू वाला एरिया, इसी तरह भी इसको लेके आप इस पौधे को लगा सकते हैं। अब जो एरिया रूट्स जहाँ से निकली हुई हैं उस एरिया से थोड़ा नीचे हम इसे काट लेंगे, और सॉइल मीडियम जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो टोटली बायो कम्पोस्ट है, इसमें थोड़ा परलाइट है और कुछ भी नहीं है। अब इसको इसमें लगा के और ऐसी जगह रखना है जहाँ पे धूप ना हो, शेडी एरिया में रखना है, और ये देखें एक लीमू के साथ पौधा तैयार।